हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ टिनेश दादीज टीम केमिस्ट्री सी एल सी हम डी सी एम मेजर को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिस्कस करते हैं आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन आर द सोल्यूशन हैविंग द सेम कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन इफ जीरो पॉइंट टू एम एच ए सोल्यूशन इज आइसोहाइड्रिक विथ टू इंटू टेन टू पावर माइनस फोर एम एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन के बी ऑफ ए माइनस आइन डी स्टूडेंट्स एच टू एस ओ फोर है स्ट्रोंग एसिड है ये एच टू एस ओ फोर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ किसमें डिसोसिएट होगा टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू तो एच प्लस आइन की जो कंसनट्रेशन ऑपटेन होगी वो हो जाएगी अपने पास फोर इन टू टेन टू पावर माइनस फोर एम ऑपटेन हो जाएगी अपने पास जो एच ए वीक एसिड है ये आइनाइज होगा एच प्लस प्लस ए माइनस ओके डी स्टूडेंट्स इससे जो एच प्लस आइन ऑफ होंगे वो एच प्लस आइन हो जाएंगे अंडर रूट के इंटू सी अंडर रूड के इंटू सी ये वाले एच प्लस और ये वाले एच प्लस क्या होंगे इक्वल होंगे तो एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कितनी हुई फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी यहाँ से सी अपने पास है जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट टू एम सी कितना हो गया जीरो पॉइंट टू एम इसे सोल्व करते हैं तो ये हो गया एट इंटू टेन टू पावर माइनस एट इक्वल टू के इंटू जीरो पॉइंट टू ये हो गया अपने पास ये हो गया सिक्सटीन टू से कैंसिल आउट करेंगे तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एट इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन हो जाएगा एट इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन स्टूडेंट्स जो एच ए और ए माइनस है ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के लिए के इंटू के बी का जो प्रोडक्ट होता है वो KW के डब्लू के इक्वल होता है तो इसका K और A KB, के और ए माइनस का के बी ये के डब्लू मीन्स टेन टू पावर माइनस फोर्टीन के इक्वल होगा तो यहाँ के की वैल्यू पुट कर दी एट इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन इंटू के बी ऑफ ए माइनस इक्वल टू टेन टू पावर माइनस फोर्टीन तो अपने पास जो के बी है ए माइनस का ये अपने पास आ जाएगा अपने पास आ, हो गया 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस एट हो जाएगा तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया सेकंड आंसर अपने पास करेक्ट हो गया ओके okay, स्टूडेंट्स द पोटेंशियल ऑफ सेल एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ये एक सेल है जिसमें ये वाला पार्ट एनोड का काम कर रहा है ये वाला पार्ट केथोड का काम कर रहा है डी स्टूडेंट्स पी के ऑफ सी एच थ्री सी एच फोर पॉइंट सेवन फोर एंड पी के बी ऑफ एन एच फोर ओ एच फोर पॉइंट सेवन फोर की वन है ओके डी स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं इसे तो एनोड भी किसका बना हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना है कैथोड भी किसका बना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना है तो सेल इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी हाफ ऑफ एच टू इक्वल टू एच प्लस इलेक्ट्रॉन ये एनोड की रिएक्शन होगी एनोड की रिएक्शन कैथोड पे क्या होगा कैथोड पे एच प्लस वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ऑफ एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा टोटल इक्वेशन लिखते हैं तो हाफ ऑफ एच टू प्लस एच प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन प्लस एच प्लस ऑफ हाफ ऑफ एच टू ये अपने पास एनोड पार्ट की कंसेंट्रेशन है और ये अपने पास केथोड पार्ट की कंसेंट्रेशन है ओके डी स्टूडेंट्स यहां से अपने पास ई सेल इक्वल टू आ जाएगा ई सेल इक्वल टू नॉट ऑफ सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन Divided by one, H2 की H2, दोनों साइड वन एटीएम है तो वन एटीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी अपने पास एनोड वाली कंसेंट्रेशन अपॉन एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कौन सी हो जाएगी कैथोड वाली कंसेंट्रेशन एनोड वाली ये इनोड ऑफ सेल जीरो हो जाएगा एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो ई सेल इक्वल टू अपने पास हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन माइनस लोग एच प्लस कितना हो गया पीएच पीएच ऑफ एनोड पार्ट माइनस पी ऑफ कैथोड पार्ट लिख सकते हैं ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग लिख सकते हैं पीएच अगर इसमें से कैलकुलेट करते हैं तो एनोड पार्ट की पीएच कितना हो जाएगा ये कैसा सोल्यूशन हो गया ये अपने पास ये अपने पास एसिडिक बफर सोल्यूशन हो गया तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड यहां से हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं तो पीएच इज इक्वल टू पीके कितना हो गया फोर प्लस लोग सोल्ट कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 पॉइंट यहाँ आ गया 10 तो पीएच हो गई अपने पास 5.74 ये हो गया अपने पास 5.74 ठीक है यहाँ से जो अपने पास ये केथोड पार्ट है इसकी पीएच कैलकुलेट करते हैं तो पी ओ एच टू अपने पास हो गया पी के बी प्लस लोग सोल्ट अपॉन बेस अपने पास सोल्व करते हैं तो पी के बी की वैल्यू है फोर पॉइंट सेवन फोर प्लस लोग सोल्ट कितना हो गया सोल्ट जीरो पॉइंट टू अपॉन जीरो हो गया अपने पास फाइव पॉइंट जीरो फोर फाइव पॉइंट जीरो फोर ये पी ओ एच आ गई पी एच अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो पी एच हो गई अपने पास एट पॉइंट ठीक है ये अपने पास 8.96 पॉइंट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0.0591 ये पीएच अपने पास हो गई 5.74 माइनस ये पीएच हो गई अपने पास 8.96 पॉइंट सोल्व करें इसे तो अपने पास जो पीएच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी माइनस ई नोट आ जाएगा वो 0.19 वोल्ट आ जाएगा 0.19 कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गेसेस कंपाउंड ए रिएक्ट बाय थ्री इंडिपेंडेड फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस ए श्यो फिगर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री

K2 और K3 की वैल्यू गिवन है तो रिएक्शंस का ऑल ओवर K क्या हो जाएगा ऑल ओवर K हो जाएगा K1 वन प्लस के टू प्लस के थ्री यहाँ से अपन ऑल ओवर K कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट नाइन थ्री सिक्स पॉइंट नाइन थ्री इंटू 10 टू पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स यहां से सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए का पार्ट कितना डिसोशिएट हो गया मतलब कितना ए बी में कन्वर्ट हो गया जितना ए बी में कन्वर्ट हो बी सी और डी में कन्वर्ट हो गया ये कैलकुलेट करना है बी में कन्वर्ट हो गया जितना कन्वर्ट हो गया वो किस रेशियो में होगा K1, K2 और K3 के रेशियो में प्रोडक्ट होगा तो पहले A के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएं, तो अपने पास हो गया KT टी इज इक्वल टू 2.303 log a upon 80 ए यहां से हम कैलकुलेट करते हैं k कितना हो गया 6.93 पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू हंड्रेड सेकेंड गिवन है ये हो गया 2.303 log a की वैल्यू 8 होगी और ये 80 हो गया दी स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं तो 80 इज इक्वल टू फोर आ गया मतलब कितना एटी इज इक्ल टू कितना हो गया फोर आ गया तो कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में एट था एट रिमेनिंग रह गया तो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया एट कन्वर्ट हो गया इसे किस रेशियो में बी के बारे में पूछा है तो बी की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी अपने पास बी की जो प्रेशर हो जाएगा बी बी का रेशियो हो जाएगा बी का रेशियो अपने पास के अपॉन के वन प्लस के इतना प्रेशर आएगा क्योंकि फोर टोटल गया है?

थर्ड आंसर अपने पास आ जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स थर्ड आंसर अपने पास आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है डी स्टूडेंट्स एन ए प्लस एंड के माइनस आईन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म अपनी सेल होती है उसके इनसाइड और आउटसाइड जो अपने पास जो मैनेज कर रहे होते ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को तो कौन से मैनेज कर रहे होते सोडियम और पोटेशियम आयन मैनेज कर रहे होते हैं बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करना है टू हंड्रेड वन एम ग्लूकोज सोल्यूशन एंड थ्री हंड्रेड एम एल वन एम यूरिया सोल्यूशन आर नोट आइसोटोनिक डी स्टूडेंट्स आइसोटोनिक का मतलब है पाई वन इक्वल टू पाई टू दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है मतलब आई वन सी वन आर टी बराबर आई टू सी टू आर टी दोनों के लिए आई की वैल्यू वन है आई की वैल्यू वन है कंसेंट्रेशन दोनों की सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा ये क्या कह रहा है नॉट आइसोटोनिक नॉट आइसोटोनिक नहीं ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया नेक्स्ट चेक करते हैं एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर रदर देन वार्म वाटर डी स्टूडेंट्स जो एक्वस एनिमल्स होते हैं उनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो अपने पास बाहर का, पाई टू, आई सी बाहर का हो गया ज्यादा हो, तो हो गया तो अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर में इससे क्या होने लगेगा वाटर रिलीज होने लगेगा तो ये क्या नहीं कंफर्ट कंफर्ट फील नहीं करेगा तो ये बात बिल्कुल सही है एट वेट मोर कंफर्ट इन द कोल्ड वाटर बिल्कुल सही है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होती है बिल्कुल गैसों का लिक्विड में सोल्यूबल होना लिक्विड प्लस गैस सोल्यूबल होते हैं तो कैसा प्रोसेस होता है लिक्विड गैस सोल्यूशन बनता है कैसा प्रोसेस होता है एग्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बेट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी uh, क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू हो गया ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सीज केटाइन वेकेंसी की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है ओके okay, तो परसेंटेज का मतलब विद इन हंड्रेड हंड्रेड केटाइन में एसआरसीएल टू को एड करेंगे तो जितने एस आर सी एल टू को एड करेंगे उसी रेशियो में क्या हो जाएगी कैटाइन वेलकेंसीज प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक एस आर प्लस टू कितने एन ए प्लस को रिप्लेस करेगा दो एन ए प्लस को रिप्लेस करेगा और चार्ज क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा तो हंड्रेड में अगर आप एड करते हैं हंड्रेड एस आर सी एल टू एड करते हैं तो वैकेंसीज कितनी हो जाएगी टेन टू पावर माइनस थ्री वन एड करेंगे तो टेन टू पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई हंड्रेड और वन मोल में कितना

करेक्ट हो रहा है ओके नेक्स्ट इफ द ई नोट ऑफ ए प्लस टू ए वन पॉइंट सिक्स नाइन वोल्ट एंड ई नोट ऑफ ए प्लस थ्री टू ए वोल्ट

एन एफ ऑफ ई नोट ऑफ ई नोट तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो गई वन एफ और ई e नोट कितना हो गया वन पॉइंट सिक्स नाइन ओके डियर स्टूडेंट्स वन पॉइंट सिक्स नाइन यहां से सेकेंड स्टेटमेंट अपने को दे रहा है ए प्लस थ्री है वो किसमें जा रहा है ए में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने पास थ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और डेल्टा जी वन जो है डेल्टा जी टू अपने पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस थ्री एफ इंटू जीरो फोर वोल्ट हो जाएगा ओके अपने को कैलकुलेट करना है ए प्लस थ्री से ए प्लस थ्री से ए प्लस में जा रहा है तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है टू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टू एफ ऑफ ई नोट ऑफ सेल यहां से इनोट e यहां से हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री वन और टू की हेल्प से इक्वेशन थ्री अपने को डिजाइन करनी है तो इक्वेशन थ्री इक्वल टू अपने पास हो गया माइनस ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन वन से क्या हो गया अपने पास <coughs> अपने पास क्या हो जाएगा e प्लस थ्री से e प्लस टू कैलकुलेट करना है तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी वो अपने पास a प्लस किस साइड में होना चाहिए a प्लस थ्री टू a तो अपने पास a प्लस थ्री तो इधर ही होना चाहिए तो माइनस ऑफ इक्वेशन माइनस ऑफ इक्वेशन वन प्लस ऑफ इक्वेशन टू ये अपने पास हो गया तो डेल्टा z इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू तो अपने पास ये आ जाएगा अपने पास हो जाएगा माइनस टू एफ ऑफ ई नोट इक्वल टू अपने पास माइनस 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 प्लस वन एफ ऑफ वन पॉइंट सिक्स नाइन और अपने पास ये हो गया माइनस फोर पॉइंट टू एफ माइनस से डिवाइड किया एफ एफ से से क्या हो गया? हो गया गया कैंसिल डिवाइड किया तो ई नॉट इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव वोल्ट हो जाएगा तो कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो रहा है ओके okay, नेक्स्ट द ऑरबाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जो अपने पास होता है ओरबाइटल एंगुलर मोमेंटम। यह अपने पास होता है अंडरूड एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई होता है और d ऑरबाइटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है d ऑरबाइटल के लिए एल बराबर होता है टू तो टू इन टूट टू इन टू टू प्लस वन एच अपॉन टू पाई रूट सकता हूँ एच अपॉन टू पाई ये हो गया अपने पास एच अपॉन टू पाई तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है अपने पास ट्वेंटी में अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टू गे सेचुरेटेड विद द वॉटर वेपर टोटल प्रेशर ऑफ वन ए टी एम द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर इज जीरो पॉइंट थ्री ए टी एम द कंटेंट ऑफ दिसल आर कंप्लीटली ट्रांसफर टू अनोदर वेसल्स हैविंग वन थर्ड वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द सेम टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन न्यू वेसल्स डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ गिवन है कि एक कंटेनर है इसमें नाइट्रोजन गैस और वेपर है वो सेचरेटेड है तो टोटल प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक तो पी एन टू और एक हो गया वेपर प्रेशर ऑफ एच टू होता है वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंडेड होता है टेम्परेचर सेम रहेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ एच टू क्या रहेगा सेम रहेगा तो हम यहां कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर में पी टोटल इक्वल टू पी एन टू प्लस पी एच टू ओ का प्रेशर अपने पास इंक्लूड होगा पी एच टू ओ का प्रेशर अपने पास इंक्लूड होगा तो पी टोटल दे रखा है वन ए टी एम एन टू कितना हो गया अपने पास वोटर का वेपर प्रेशर दे रखा है तो पी एन टू प्लस पी एच टू अपने पास हो गया जीरो पॉइंट थ्री ए टी एम तो पी एन टू अपने पास हो गया जीरो पॉइंट सेवन ए टी एम ये कंटेंट है वो ऐसे ट्रांसफर ऐसे पेशल में ट्रांसफर किया गया है जिसका वॉल्यूम वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम है तो ओनली क्या चेंज होगा नाइट्रोजन का प्रेशर चेंज होगा वेपर प्रेशर ऑफ एस टू चेंज नहीं होगा तो पी वी इज इक्वल टू एनआर टी पी वी इज टू एन आर टी को आप लेंगे तो पी तो पी हो गया पी इज वन बाई वी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है मोल कांस्टेंट है तो पी पहले कितना है जीरो पॉइंट सेवन वॉल्यूम कितना है वी है पी कितना हो जाएगा नेक्स्ट वॉल्यूम हो जाएगा वी बाई थ्री वी से वी कैंसिल तो पी इज इक्वल टू टू पॉइंट वन ए टी एम हो जाएगा ये किसका है नाइट्रोजन का और पी टोटल कितना हो जाएगा पी एन टू प्लस वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ एच टू तो डी स्टूडेंट्स ये पी टोटल इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2.1 पॉइंट प्लस जीरो ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू 2.4 पॉइंट बट डियर स्टूडेंट्स आपको कहा है क्वेश्चन पेपर में कि आंसर नियरेस्ट इंटीजर में दे तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर कितना हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू टू एटीएम हो जाएगा ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट एंड एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ आर दिस आर माइनस सेवनटीन एंड टेन किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द मैग्नीट्यूट डियर स्टूडेंट्स चेक करें मैग्नीट्यूट ऑफ एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ जीरो पॉइंट वन एम वन मोल ऑफ एनहाइड्रसकॉपर सल्फेट डियर स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है कॉपर सल्फेट है इसके सोल्यूशन की एंथेलपी है सोल्यूशन मतलब इसे डिजोल्व कर दिया गया और ये आइंस में कन्वर्ट हो गया कॉपर सल्फेट अपने पास क्या बन गया एक्वस बन गया ये डेल्टा एच अपने पास गिवन है वो हो गया माइनस किलो जूल अपने पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू कॉपर सल्फेट डोट फाइव एच टू है एच टू में रिजोल्व किया तो ये जो एनथेल्पी हो जाएगी वो कॉपर सल्फेट एक्वस ये अपने पास डेल्टा एच गिवन है वो कितना हो गया टेन किलो जूल हो गया अपने पास टेन जूल हो गया तो अपने को एंथेल्पी कैलकुलेट करनी है तो अपने पास कॉपर सल्फेट डोट दे रखा है कॉपर सल्फेट के हाइड्रेशन की कॉपर सल्फेट सोलिड है H2O की लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट dot 5 H2O सोलिड बन जाएगा इसकी कैलकुलेट करनी है डेल्टा H इक्वेशन वन हो गई इक्वेशन टू हो गई इक्वेशन थ्री हो गई तो इक्वेशन थ्री इक्वल टू अपने पास हो गया इक्वेशन वन माइनस ऑफ इक्वेशन टू इक्वेशन वन माइनस ऑफ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास माइनस सेवेंटी और माइनस टेन ये कितना हो गया माइनस एटी हो गया कितने मोल के लिए वन मोल के लिए तो वन जीरो पॉइंट वन मोल के लिए कितना हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपसे पूछा क्या मैग्निट्यूट तो मैग्नीट्यूड अपने पास हो जाएगा एट तो आंसर कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा एट आंसर आ जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं फोर ग्राम ए पॉलीबेसिक एसिड एच एक्स ए ऑल द हाइड्रोजन आर एसिडिक रिक्वायर्ड जीरो पॉइंट फाइव ग्राम एन एच फॉर कंप्लीट न्यूटेशन वेन दन पॉइंट सिक्स टू ग्राम ऑफ एन एस सोल्ट ऑफ दिस एसिड डिजॉल इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज हंड्रेड पॉइंट टू जीरो एट हेव द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन में टू टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट है जो इस एसिड को एनएओएच के साथ रिएक्ट करवाता है तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है सेकंड इस एसिड के सोडियम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन देता है इस एच एक्स ए की रिएक्शन हम लोग एनएओएच के साथ करवाते हैं तो जितने इक्वेलेंट इसके यूटिलाइज होंगे उतने ही इक्वलेंट इसके यूटिलाइज होंगे जितना इसका W1 वन अपॉन ई होगा उतना इसका W2 टू अपॉन ई होगा डी स्टूडेंट्स 0.4 ग्राम है इसका E हमें पता नहीं है प्ला, इक्वल टू डब्लू टू एन का 0.5 ग्राम हो गया और अपने पास एन का E40 हो गया इसे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ E आ रहा है अपने पास 32. टू थर्टी टू किसका आ गया एच एक्स ए का आ गया तो अपने पास a का जो इक्वेलेंट मास है इक्वेलेंट मास a का हो जाएगा वो 31 हो जाएगा इक्वेलेंट मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज द सम ऑफ द इक्वेलेंट मास ऑफ कैटाइन एंड एनाइन सो इसका हो जाएगा अपने पास 31 वन सेकेंड इंफॉर्मेश्स को पुट करते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू अपने पास होता है के बी इंटू आई इंटू मोलैलिटी डियर स्टूडेंट्स मींस डेल्टा टीबी टू के बी इंटू आई इंटू डब्लू ए अपॉन डब्लू बी इंटू डब्लू बी अपॉन एम बी और डब्लू बी किसमें होना चाहिए के जी में होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन पुट करते हैं तो अपने पास इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया जीरो पॉइंट टू जीरो हो गया जीरो पॉइंट टू जीरो एट के कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव टू डी ये सोडियम सोल्ट है तो यहां से अपने पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अक्ष तो ये मिलेगा प्लस एक आई नहीं मिलेगा अपने पास हो जाएगा वन प्लस अक्ष W ए कितना गिवन है 1.62 1.62 ग्राम ग्राम गिवन है मोलर मास कितना हो गया है? इसका मोलर मास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अगर मोलर मास की बात करूं तो अपने पास मोलर मास हो जाएगा इक्वेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेलेंट मास इंटू इक्वेलेंट मास इंटू एन फैक्टर, dear स्टूडेंट्स इसका इक्वलेंट मास हो जाएगा। ए का इक्वलेंट मास 31 है और अपने पास सोडियम का इक्वलेंट मास होता है 23। इनटू कितना हो जाएगा? एन फैक्टर कितना है? एक्स हो जाएगा। तो ये अपने पास मोलर मास हो गया 31 प्लस 23 इनटू एक्स। इसका सम देखे तो ये आगे अपने पास इन दोनों का सम 54 ये हो गया इन टू थाउजेंड यहां से एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना है थ्री आ रहा है तो अपने पास कितना आंसर हो जाएगा इसका अपने पास आंसर हो जाएगा थ्री डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जीरो पॉइंट जीरो वन मोल ऑफ गैसेस कंपाउंड C2H2OX वाज ट्रीटेड विथ द टू ट्वेंटी फोर एम एल ऑफ ओ टू एट एस टी पी आफ्टर द कम्बंसन दोटल वॉल्यूम ऑफ गेस फाइव सिक्सटी एम एल एट एस टी पी ऑन ट्रीटमेंट विथ द के सोल्यूशन दॉल्यूम डिक्रीजेस टू वन हंड्रेड ट्वेल्व एम एल द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है दूडेंट सी टू एच टू ओ एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओ टू के साथ कम्बंसन कर रहे हैं तो CO2 मिल रहा है प्लस H2O लिक्विड मिल रहा है सारी इंफॉर्मेशन एन पे गिवन है तो H2O लिक्विड है यहां हमने देखा ये CO2 टू तो CO2 बैलेंस हो गया H2O बैलेंस है इसको बैलेंस करे तो फोर और वन फाइव फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू डी स्टूडेंट स्टार्टिंग में इसका जीरो पॉइंट जीरो वन एम एल है और इसका कितना हो गया स्टार्टिंग इनिशियली टू ट्वेंटी फोर एम एल है अब यहां पे फाइनली अपने पास वॉल्यूम कितना मिला 560 फाइनल वॉल्यूम में अपने पास CO2 भी रहा होगा और O2 भी रहा होगा जिसका वॉल्यूम है 560 ml कमल्शन का मतलब ये होता है इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन ओके तो CO2 के है वो CO2 को एब्जोर करता है KOH CO2 को एब्जोर करता है तो उसके बाद रिमेनिंग वॉल्यूम कितना रह गया 112 रह गया मतलब CO2 का वॉल्यूम है 448 हो गया तो ये 112 हो गया मीन्स रिमेनिंग O2 का वॉल्यूम है वो 112 रह गया और स्टार्टिंग में 224 था तो यूटिलाइज कितना आया यूटिलाइज हो गया इस रिएक्शन में वन हंड्रेड यूज हो गया तो मतलब इतना रिएक्ट किया अब ऑक्सीजन के जो मोल होंगे वो कितने हो जाएंगे फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो बराबर ये मोल किसके इक्वल हो जाएंगे वन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एम एल इसे सोल्व करे तो यहां से ये हो गया टू टू से ये टू कैंसिल जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू आ रही है फोर ओके डी स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका फोर इन एन एक्सपेरिमेंट 200 हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट फाइव एम ऑक्जेलिक एसिड इज सेकन विथ टेन ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड फिल्टरेड द कंसेंट्रेशन रिड्यूस टू जीरो पॉइंट फोर एम अमाउंट ऑफ द एड्सॉप्शन जी स्टूडेंट्स चारकोल में एसिटिक एसिड अगर आप ऐड करोगे तो एसिटिक एसिड uh, के पार्टिकल्स को चारकोल अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा इसके कारण कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी कितनी अमाउंट चारकोल की एड्जॉर्ब हुई है इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है एम इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू वी अगर एम में है तो मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड कितनी मोलैरिटी है मोलैरिटी 0.5m थी अपने पास w कैलकुलेट कर लेते हैं mw 90 200 ml गिवन है और ये हो गया 1000 यहाँ से इसे कैंसिल आउट किया ये आ गया 5 और 5 से पॉइंट कैंसिल तो w 9 ग्राम हो गया अब After the adsorption, w कैलकुलेट कर लेते हैं तो एम है, इज रहे टू जीरो फाइव आ गया तो w डेस इज इक्वल टू कितना हो गया सेवन पॉइंट टू ग्राम हो गया तो रिमेनिंग जो था एड्ब हुआ वो कितना हुआ? जो हुआ जिसका हुआ वो हो गया अपने पास वन पॉइंट एट ग्राम x/m कैलकुलेट करना है तो x अपॉन m x का मतलब 1.8 एड्सॉर्ब हुआ है डिवाइडेड बाय कितना ग्राम लिया था अपन ने चारकोल 10 ग्राम चारकोल लिया था तो x/m 0.18 आ गया आंसर डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि नियरेस्ट इंटीजर में दीजिएगा तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन अमाइड है पी टू ओ फाइव के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं द अबाउ रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन चेंज फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बनानी है तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री सी एन प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट है वो एस पी टू स्टेट है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की स्टेट एसपी तो कहां से कहां चेंज हो रहा है एसपी टू से एसपी चेंज हो रहा है ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टी स्टेंड टू ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट बेंजीन इज अ प्लेनर स्पीसीज बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है बेंजीन प्लेनर टी एन टी यूज एज एक्सप्लोजिव TNT होता है वो एक्सप्लोजिव के रूप में काम आता है ट्राइनाइट्रोटोलोइन ट्राइनाइट्रोटोलोइन एक्सप्लोजिव के रूप में काम आता है तो ट्रू स्टेटमेंट है एन एस थ्री सी एच मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डी स्टूडेंट्स ये अपने पास एन एच सी एस थ्री ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया एंड फ्यूरेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड ये अपने पास जो फ्यूरेन होता है ओ ये फ्यूरेन अपने पास कैसा कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया एट का आंसर आ गया अपने पास फोर्थ स्टेटमेंट हो गया नेक्स्ट मेस द कॉलम मेस द कॉलम कुछ हमारे पास सब्सटेंस दिए हैं और इनके यूजेस को इसके साथ मेच करना है यूजेस को मैच करना है डीडीटी डाइनाइट्रो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोथेन डीडीटी क्या काम करता है इंसेक्टिसाइड की काम करता है तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा फर्स्ट का एस दो स्टेटमेंट में है आयोडोफॉर्म किसका काम करता है आयोडोफॉर्म डिस का काम करता है तो आर हो जाएगा यह भी इसको प्रूव कर रहा है क्लोरोफॉर्म किसका काम करता है अनिस्थीसिया में यूटिलाइज होता है तो क्यों क्लोरोफॉर्म अनिस्थीसिया में यूटिलाइज हो जाएगा तो ये भी सही है और फोर्थ फी सी सी एल फोर फाइव एक्सट्रीजर होता है ओके तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हाँ। रिएक्शन है तो रिएक्शन में देखना अपने पास जो ये फ्लोरो नाइट्रो एफ और एनओ टू इसकी रिएक्शन अपने पास सी एस थ्री एन और सी एस थ्री इसके साथ ए आर एस एन टू टाइप रिएक्शन हो जाएगी और अपने पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा NO2 टू और ये एन और ये सी एस थ्री और सी एस थ्री आ जाएगा इसका रिडक्शन कर देंगे रिडक्शन करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा ये एन और एन के साथ ये दो कार्बन और ये बन जाएगा एन एच टू में रिड्यूस हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? अपने पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला इस C2H5NO2 ऑन रिडक्शन गिव्स द कंपाउंड वाई। अपने पास CS3, CH2 और NO2 है। इसको रिड्यूस करेंगे तो अपने पास रिडक्शन पे ये अपने पास रिडक्शन पे अपने पास दे देगा सी एस थ्री सी एच टू और एनएसू ये कंपाउंड अपने पास एक्स है जो रिडक्शन पे वाई देता है वाई की रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ करवाते हैं एच एन ओ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और ओ एच एल्कोहल बन जाएगा ठीक है वाई विथ द क्लोरोफॉम एंड द एलकोहलिक के ओए वाई की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म सी एच सी साथ थ्री प्लस कार्बिल अमाइन आइसोसाइनाइड रिएक्शंस होगी और बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और एन सी जिसकी पंजेंट स्मेल होती है और कार्बोन कार्बिल अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं तो कौन सा कंपाउंड बन गया टू नंबर कंपाउंड अपने पास बन जाएगा ओके

थर्ड वाले में डाइबल अगर आर सी एन को रिड्यूस करता है तो आर सी एच ओ बनाता है तो अपने पास आर सी एच टू एन एच टू ये हो सकता है ये हो सकता है फर्स्ट और से थर्ड में से कोई हो सकता है नेक्स्ट आर सी एच एन एच आर क्यों अपने पास क्या हो गया आर सी एच एन एच ये भी नहीं हो सकता ये हो सकता है ये हो सकता है ये आर सी एच ओ हो गया नेक्स्ट यहां पे रिडक्शन से बनेगा अपने पास एल आई एल एच फोर रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा आर सी एच टू और एनएस टू गलती से इसे लिखा गया है आर सी एच टू ओ एच इसे कर देंगे आर सी एच टू और एन टू तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो पाएगा बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर रहेगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक दे रखा है स्क्वा एसिड स्क्वासिड अपने पास ये हो गया स्क्वा एसिड ठीक है इसका अगर H+ प्लस देने के बाद ये माइनस बनता है ये क्या होता है स्टेबल भाई एरोमेटिसिटी से स्टेबल होता है कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री स्क्वायरिक एसिड से कम एसिडिक होता है फिनोल कार्बोलिक एसिड या फिनोल भी स्क्वायरिक एसिड से कम एसिटिक एसिड acid भी एज कंपेयर टू स्क्वायरिक एसिड कम एसिडिक होता है तो कौन सा हो जाएगा स्क्वायरिक एसिड हो जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन गिवन है एनओ टू नाइट्रोबेजीन की रिएक्शन एस एन और एच सी एल के साथ करवा रहेगा एमिन तो पास बन जाएगा रिडक्शन से रियक्शन एच सी एल से करवाएंगे तो अपने पास बन जाएगा डाई एजोनियम सोल्ट एन टू और सीएल सीएल ठीक है एन टू प्लस वाव एच टू के साथ करवाएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा फिनोल फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं तो डी बन ben जाएगा बेंजीन और बेंजीन में नंबर ऑफ द sp2 टू हाइब्रिड कार्बन कितने सिक्स कार्बन हो गए जो एसपी टू हाइब्रिड है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आंसर कितना हो जाएगा सिक्स नेक्स्ट लिखते हैं नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इन लेविस एसिड कार्ब केटाइन होते हैं वो लेविस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं तो किसकी तरह काम करते हैं लेविस एसिड की काम करते रहे काम करते हैं सिंगलेट कार्बिन आर मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट डी स्टूडेंट सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं जबकि ट्रिपलेट में डिफरेंट में रहते हैं रिपल्सन ज्यादा होगा तो जनरली सिंगलेट क्या होती है रेस स्टेबल होती है ठीक है अब सिंगलेट हैज न्यूक्लियोफाइल सेंटर एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर अगर कार्बिन की बात करते हैं तो कार्बिन में ये एक्स जुड़ा हुआ है ये एक ऑर्बिटल से वाई जुड़ा हुआ है ये एक सिंगलेट कार्बिन हो जाएगी इसमें एक ऑर्बिटल में नॉन पेयर तो ये नॉन पेयर भी प्रेजेंट होता है और वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाएगा एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल सेंटर सेंटर अवेलेबल होते हैं ओके डी स्टूडेंट्स कार्बिन है सेवन इलेक्ट्रॉन कार्बिन में सिक्स इलेक्ट्रॉन इन देर हैं सी एल एफ थ्री एस पी टू हाइब्रिड सी एल एफ थ्री एस पी हाइब्रिड होता है statement, statement हो जाएगा. तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है सिंगलेट सिंगलेट कार्बिन कंसिस्ट नो अनपेड इलेक्ट्रॉन वेर द ट्रिपलेट कार्बिन कंसिस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या स्टेटमेंट सही हो गया ये वाला सिंगलेट में तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ट्रिपलेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है फॉर्मल चार्ज ऑफ द कार्बन एटम आइदर द सिंगलेट और ट्रिपलेट इज जीरो चाहे सिंगलेट कार्बिन हो चाहे ट्रिपलेट कार्बिन दोनों में कोई चार्ज नहीं होता है तो चार्ज नहीं होता है तो क्या हो गया अपने पास जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो हो जाएगा तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए फोर स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो गए ओके स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी हम जेई मेंस मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे पहला प्रॉब्लम विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज देक्ट ऑर्डर आपको बताना है कौन सा इसमें से इन करेक्ट ऑर्डर में है ठीक है सबसे पहले देर का बी प्लस टू ए एल प्लस थ्री ये तो पता है कि ए एल प्लस थ्री की प्लस वन की साइज जो है एम जी प्लस टू से ज्यादा होती है ठीक है ना और साथ ही साथ एम जी प्लस टू की सॉरी बीई प्लस टू एंड ए एल प्लस थ्री में साइज जो है ए एल प्लस थ्री की ज्यादा होती है ठीक है ना अब ये तो पता है कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पे लिथियम है यहाँ पे बेरिलियम है यहाँ पे मैग्नीशियम में है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है ठीक है ना यहाँ रेडियस की बात नहीं कर रहा बेसिकली आयनिक रेडियस की बात कर रहा है ठीक है डायगनल रिलेशनशिप में ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए लेकिन होता के एल ए प्लस की साइज जो है एम जी प्लस टू से हल्की सी ज्यादा होती है इन दोनों में बराबर होनी चाहिए लेकिन ए एल प्लस थ्री की साइज हल्की सी बी प्लस टू से ज्यादा होती है अच्छा एम जी प्लस टू एंड बी प्लस टू में साइज किसकी ज्यादा होती है एम जी प्लस टू की साइज होती है ठीक है इसका मतलब ये जो रेडियस का ऑर्डर जो आ रहा है वो आपका सही आ रहा है ठीक है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिन है क्लोरीन है यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे सल्फर है ठीक है ना यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे फॉस्प्रस है तो ऑर्डर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ठीक है तो क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से ठीक है, फिर क्या आएगा? सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन तो मतलब का सिंपल सी बात है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है ना एन ए टू एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये दोनों एस ब्लॉक है तो इसका बेसिक कैरेक्टर डी ब्लॉक के मुकाबले होगा और यहां पे एम एन प्लस सेवन है तो प्लस फाइव से ऊपर वाले जो भी है वो जल्दी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं इसलिए इनका बेसिक फैक्टर कम होगा तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर आपका क्या है सही अगला देखिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है बेसिकली क्लोरीन उसके बाद में क्या आएगा ब्रोमीन ब्रोमीन के बाद में फ्लोरिन और फ्लोरिन के बाद में क्या आएगा आयोडिन ठीक है तो आपको क्या पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है तो फोर्थ वाला जो है वो आपके पास कौन सा होगा इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है बेटा

फिर बाद में अमोन क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स ओनली एल ए सी एल इज डेली सही बात है एल ए सी एल में कोलन करेक्टर होता है इस वजह से वो होगा प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड एक्शन काल्टॉइस एन एच फोर सी एल सही बात है सीएच का होल्टोइ क्या करेगा एन एच फोर सी एल के साथ रिएक्शन करेगा H को करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा सी ए सी एल टू प्लस अमोनिया यहां से क्या हो जाएगी रिकवर हो जाएगी प्लस साथ में एच टू बन जाएगा ठीक है ना तो अमोनिया रिकवर होगी प्रोडक्ट में क्या बनता है सीएसएल टू बनता है तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है सही है अगला थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है याद रखने की चीज है एनवायरमेंट केमिस्ट्री का ठीक है नॉर्मल जो नॉर्मल रेन वाटर उसका पीएच की वैल्यू कितनी होती है

मैक्सिमम परमिशिबल वैल्यू जो होती है ना पीपीएम में वो कितनी होती है पीपीएम होती है है तो तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही तो आपका कौन सा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसमें बताने की इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल यूज कौन नहीं करता मतलब इसमें सभी में स नंबर कितना आ रहा है छह आ रहा है ये कहना चाह रहे हो, हो सकती है इसके अंदर कोबाल्ट प्लस थ्री अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेरिंग हो जाएगी तो इसमें डी टू एस पी थ्रेगी आंसर नहीं होगा एफ एन सिक्स सीआर माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें भी पेरिंग हो जाएगी तो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो जाएगा ये भी नहीं होगा इसमें तो वैसे ही आपको पता है सीआर प्लस थ्री में

देखो सिक्स वाला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओथरी ओथरी की इन करेक्ट स्टेटमेंट इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम ओटू मतलब आप ओटू से जब ओथरी बनाते हो ना तो यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना होता है ठीक है ना और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया तो मतलब रिएक्शन क्या होगी एंडोथर्मिक ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या है सही इट्स थर्मोडाइनमिक मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन गलत बात बेसिकली थर्मोडाइनमिकली स्टेबल जो होता है ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होता है एज टू ओजोन के मुकाबले पॉवरफुल ऑक्सीडेजिंग एजेंट ये बात सही है ओ अच्छा, agent, because, because तो अपने पास क्या कह रहा है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट सेकंड वाला है तो ओनली सेकेंड आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ध्यान दीजिए इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम देखिए भाई देखो इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम क्या कह रही है सिंपल सी बात अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लोअर बॉन्ड एंगल देन pf3 ठीक है pf3 में pf3 से कम बॉन्ड एंगल कौन पजस करेगा ठीक है सबसे पहले मैं बात करूं ph3 की pf3 में. तो जाहिर सी बात है पी एच थ्री में बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सिमेटली नाइनटी डिग्री के आसपास आएगा और इसका जाहिर सी बात है नाइनटी डिग्री से ज्यादा आएगा मतलब से कम आएगा नाइनटी डिग्री से ज्यादा आएगा एक सौ नौ की तरफ ज्यादा होगा ठीक है तो इसका मतलब ये वाला जो है पीएससी का बॉन्ड एंगल लोअर है तो फर्स्ट वाली बात सही हो जाएगी पीसीएल थ्री में देखा जाए तो पीसीएल थ्री में आपस स्ट्रक्चर होगा साइड वाले एटम क्या रहे डिफरेंट आ रहे तो साइज इसकी क्या है बड़ी तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा होगा

एन एस थ्री में बॉन्ड एंगल सिंपल सी बात हाइब्रिड स्टेट एस पी थ्री आ रही है और एस पी थ्री आई तो बॉन्ड एंगल वन जीरो सेवन के आसपास होता है तो ये नहीं होगा ठीक है ना एच टू की अगर बात करें तो एच टू के अंदर भी आपके पास क्या आएगा बॉन्ड एंगल सिंपल सी बात एस पी थ्री हाइब्रिड स्टेट हाइब्रिड स्टेट के अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसके मुकाबले में एच टू का क्या होगा ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं आएगा बी एफ थ्री में बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्री आता यह भी नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा वन टू थ्री एंड फोर इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है है? भाई? ध्यान दीजिए क्या कह रहा देखो में होता ही और मतलब ये होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एमओटी के अनुसार देखो दो इलेक्ट्रॉन ओ टू माइनस ये भी पैरामैग्नेटिक ओ टू माइनस टू में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अठारह एन टू चौदह इलेक्ट्रॉन ये पंद्रह इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक होगा भाई ठीक है न पैरामग्नेटिक होते ही एनओ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ठीक है अच्छा सीओ डायमैग्नेटिक होता है ठीक है एनओ पॉजिटिव में चौदह इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक सी एल टू में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है भाई ठीक है वो बात अलग है कि भाई ये आविडिस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता जबकि ये वाला जो है बेसिकली पैरामैग्नेटिक होगा ठीक है तो कितने हो गए अपने पास एक दो तीन चार और पाँच इसका आंसर कितना आएगा पाँच आ जाएगा भाई ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है नेम इन नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम दे रखा 20 एसीटाइल एक्स एसीटोनेटो तो, मिथाइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड ठीक है ना और आगे दे रखा थायोसाइनेटो तो, एस आयन मतलब एक तरह से ये है कि Fe दे रखा है ठीक है ना दूसरी बात ए, एसी 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 कितने टू टाइम्स मतलब दे रखा 20 मिथाइल साइनो मतलब CH3CN और आगे क्या दे रखा रहे थायो रहेगा मतलब एसियन माइनस दे रखा ठीक है और ये पूरा न्यूट्रल बता रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोनों वाई बता रखी ठीक है निकालते तो तो पे वाई एसी एसी पे चार्ज कितना होगा माइनस आ गया ये न्यूट्रल है इसकी जीरो आएगी प्लस एसियन पे माइनस वन का चार्ज आएगा बराबर जीरो आएगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी प्लस थ्री के बराबर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है ना आयरन की कितनी आ रही है प्लस थ्री के बराबर आ रही है आगे क्या कह रहा है वाई इज देशन कैलकुलेट द सम ऑफ प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी में बेसिकली क्यों ऑक्सीडेश चेक करते हैं ये मोनोडेंटिट लिगेंट ये, ये भी मोनोडेंटि लिगेंट है तो बाइडेंटिगेंट के अनुसार इसकी डेंसिटी दो है दो दो चार और पांच और छह तो इसका कॉर्डिनेस नंबर कितना है आपके पास छह के बराबर तो इसका सम पूछा है तो थ्री प्लस सिक्स इज इकल टू नाइन आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री मेजर टेस्ट फोर में पहला फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पैराग्राफ पार सेकंड है यहाँ पर एक सेल है एच टू एन एच एन ए सी एल ए जी सी एल ए जी डेटा हमारे पास ई नॉट सेल है वन पॉइंट जीरो फाइव या ई e सेल हमारे पास वन पॉइंट जीरो फाइव दे रखा है ई नॉट ऑफ ए जी सी एल ऑब्लिक ए जी जीरो पॉइंट टू टू गिवन है हमारे पास और आर टी बाई एफ की वैल्यूशन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स गिवन है और इस डेटा के बेसिस पर हमें आगे आने वाले तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन हमारे पास पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ रिएक्शन इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन है तो अगर हम लोग सेल को देखें तो सेल में क्या हो रहा है हाइड्रोजन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ ट्वाइज ऑफ एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड देन एजीसीएल एक्सेप्टी सी एल निगेटिव यहां पर हाइड्रोजन स्टेट से प्लस वन की तरफ जा रहा है। और अपने क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज तो ऑब्वियस बात है ये एनोड कम्पार्टमेंट की रिएक्शन हो गई यहां पर ए जी हमारे पास प्लस वन से कहां पर जा रहा है जीरो पर कैथोड कंपार्टमेंट की रिएक्शन हो जाएगी और साथ में जो टू एच पॉजिटिव है वो दो ओ एस निगेटिव के साथ रिएट करके फाइनली प्रोड्यूस क्या करेगा बेटा वाटर को दो मोल वाटर को अगर हम लोग ओवरऑल ले, ले तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एच टू प्लस एजीसीएल ट्वाइज एजी सी एल प्लस ट्वाइस ऑफ ओ एस निगेटिव आयन इट गिव्स ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ट्वाइस ऑफ सी एल निगेटिव दैट इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन जो पूरे सेल को रिप्रेजेंटेट कर रही है और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड तो सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीके पीके डब्ल्यू फॉर द वॉटर एट टी कैलविन टेम्परेचर टी कैल्विन टेम्परेचर पर हमें पीके की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग ऊपर पैराग्राफ से देख के आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स क्योंकि हमारे पास आर टी बाई एफ की वैल्यू दे रखी थी लॉग ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आएन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्या भाई Cl नेगेटिव निगेटिव ठीक है बेटा अब यहां पर हम लोग ई e सेल देखें तो ई e सेल हमारे पास 1.05 ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास सीधे-सीधे कितनी आ जाएगी बेटा 0.22 क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो हमारा ई e नॉट क्या हो जाएगा 0 ये आ जाएगा 0.22 जो कि हमारे पास AgCl ऑब्लिक Ag का हमारा ई नॉट गिवन था ठीक है माइनस क्या ले लेंगे 0.06 log ऑफ अब बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं हम लोगों को पता है डब्ल्यू बराबर होता है से अगर हम लोग लिखें तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा ओ एच निगेटिव आयन वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन फॉर प्लेस ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एच पॉजिटिव आयन की जगह पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं बेटा के डब्ल्यू सी एल निगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन क्या बेटा ओ एस निगेटिव आयन कंसेंट्रेशन ठीक है अब अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग इसको इधर ले ले तो ये आ जाएगा 1.05 पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू टू ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स लॉग ऑफ के डब्ल्यू अपॉन सी एल निगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन निगेटिव ओए निगर हम लोग अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी अब हम लोग इसको यह लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो माइनस जीरो पॉइंट टू टू That could be divided by और ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है इसको अगर हम लोग ओपन कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास पी के डब्ल्यू निकालना है। ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ क्या बेटा सीएल निगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन ओएस निगेटिव एन कंसेंट्रेशन ठीक है इसको हम लोग पीके डब्ल्यू लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन वन पॉइंट जीरो पॉइंट टू टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पीके डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ निगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन ओ कंसेंट्रेशन यहां पर हम लोग सीएल तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर टी कल्वन जो टी सेंटीग्रेड टेम्परेचर बारे में हम क्या कह सकते हैं तो टी सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो हमारा पीके डब्ल्यू आया था बेटा वो कितना आया था पी डब्ल्यू बराबर थर्टीन पॉइंट नाइन वन हमारे पास आया है अगर हम लोग ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बात करें तो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेडब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है फोर्टीन सी बात है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या करेगी बेटा डिक्रीज और वही हुआ है जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहे थे तो पीके डब्ल्यू फोर्टीन था लेकिन जब हमने टी कैल्विन पर पीके डब्ल्यू कैलकुलेट किया है तो ये कितना है भाई थर्टीन पॉइंट नाइन वन हमारे पास आया है ठीक है इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये टी सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो ट्वेंटी फाइव डिग्री टेम्परेचर के कंपेरिजन में से क्या है भाई की तुलना में क्या है ज्यादा तो इट इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट क्लियर है इंटीजर पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे पास हैं सेवन एट और नाइन यहां पर सेवन क्वेश्चन देखते हैं सेवन क्वेश्चन कह रहा है एट इन टू टेंस पावर माइनस एक्स मोल ऑफ गैस ए इज डिजॉल्व इन 36 सिक्स ऑफ द वाटर व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर अबव द वॉटर इज फोर एटीएम द मोल परसेंटेज ऑफ द गैस इन द मिक्सचर इज ट्वेंटी The Henry constant for the gas in water हमारे पास गिवन है उटूस एक्स मोल घुले हुए हैं गैस ए का मिश्रण में मोल प्रतिशत पच्चीस है तो गैस के लिए हेनरी कॉन्स्टेंट के लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना है हेनरी कॉन्स्टेंट की जगह हम लोग अगर Henry's को ले लें तो क्या होगा भाई पी ए बराबर ये हमारे पास आ जाएगा क्या बेटा अगर लिखेंगे तो पीए बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या आएगा के एच इन क्या बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये के एच कितना आ जाएगा? एक्स ए अगर यहां से हम लोग देखें तो पीए निकालना है तो पीए क्या होगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है पच्चीस परसेंट टोटल प्रेशर कितना दे रखा है बेटा हमारे पास फोर एटीएम ठीक है तो यहां से लिख सकते हैं फोर एटीएम इंटू पच्चीस परसेंट है वैल्यू में कन्वर्ट करोगे अपॉन क्या कर दोगे बेटा सौ ये कितना आ जाएगा पच्चीस बेटा सौ इज इक्वल टू के एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास ये वैल्यू है टू पॉइंट फाइव इंटू टें थ्री ठीक है इंटू क्या भाई एक्स से मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेते हैं यहां से ये हमारे पास सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्स से बराबर आ जाएगा बेटा एक्से बराबर आ जाएगा टू अपॉइन पांच हजार दो बटे पांच हजार हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये हमारे पास एक्सए आ गया अब वाटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है थर्टी सिक्स एम एल वाटर का वॉल्यूम से हम लोग वाटर का मास से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे डी इज इक्वल टू डी ऑफ वाटर हम सबको पता है कितना होता है वन ग्राम पर एम एल तो यहां से अगर हम लोग डेंसिटी रिलेशन डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी यूज कर लें तो यहां से मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा मास ऑफ वाटर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कितना बेटा 36 ग्राम तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं मोल ऑफ वाटर कितने आ गए 36 सिक्स अपॉन कितना बेटा 18 18 डिवाइड कर दिया कितने आ गए दो मोल वाटर के अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका मिल गया गैस का मोल ऑफ वाटर मिल गए अब हमें सीधे सीधे क्या निकालना है कि कितने डोज मोल्स ऑफ जो आ, गैस है वो डिजोल्व है तो डिजोल्व मोल ऑफ गैस गैस के घुले हुए मोल डिजॉल्व मोल ऑफ गैस मोल ऑफ गैस बराबर क्या आ जाएगा बेटा टू अपॉइंट फाइव थाउजेंड इंटू कितना आ जाएगा बेटा टू इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यूएशन हमारे पास आ जाएगी एट इंटू टेंस पावर ऑफ क्या बेटा फोर माइनस का फोर एट इंटू टेंस पावर ऑफ क्या हो जाएगा माइनस का फोर मीन हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी इसने उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा फोर क्लियर है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस सी गैस प्लस डी यहां पर हमारे पास डेल एस की वैल्यूएशन दे, दे रखी है और हमसे इसने क्या बोला है कैलकुलेट द कांस्टेंट के के कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है कभी भी के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा की जरूरत होती है वो होती है गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है अगर हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं दे रखी है तो यहां से ओवरऑल हमें क्या निकालना है गिफ्ट फ्री एनर्जी तो अपन पहले तो गिफ्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं डेल जी नॉट बराबर डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट ठीक है ये आ जाएगा डेल एच डेल एच कितना है अलग अलग चेंजेस होता है इसलिए ये यूनिट को देखना बहुत जरूरी है यहां भी कैलोरी है यहां भी कैलोरी है मतलब किलो कैलोरी है मतलब किसी टाइप कोई की कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है माइनस अंदर टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन था टेम्परेचर हमारे पास था 298 दैट इज 298 तो ये कितना हो जाएगा 298 इनटू माइनस का कितना दे रखा है 0.1 माइनस का 0.1 बेटा सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा माइनस का 29.8 और ये आ जाएगा प्लस का 29.8 मतलब डेल जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई भाई जीरो अगर डेल जी नॉट की वैल्यू जीरो आ रही है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल जी नॉट बराबर माइनस एनआरटी एल एन के अगर डेल जी नॉट हमारे पास क्या है भाई जीरो है तो सी बात है के की वैल्यू क्या रही होगी वन आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा वन ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द मेकिंग ऑफ द बफर सोल्यूशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेकिंग ऑफ बफर के लिए अच्छा क्वेश्चन है है पहला इट कैन बी बाय द द मेकिंग ऑफ ऑफ इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड एससीएल एंड सोडियम फॉर्मेट सिंपल सी बात है सोडियम फॉर्मेट हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ में एससीएल है क्योंकि एससीएल लिमिटिंग क्वांटिटी में है इसका मतलब ये भी बफर का फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है सेम सेम वही एच एन ओ थ्री और अमोनिया दे रखा है वही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये भी क्या करेगा भाई फॉर्म करेगा अगला हमारे पास फॉर्मिक एसिड और एनालिन है ये तो पक्का फॉर्म करेगा उसके बाद है इट कैन बी फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एस सी एल ओ फोर दैट इज द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि इक्वल वॉल्यूम दे रखा है इक्वल कंसेंट्रेशन है तो ये भी फॉर्म करेगा Weak acid, weak acid करेक्ट मतलब है? है मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा पांच एक से लेके पांच तक के जितने भी स्टेटमेंट है students, दे आर करेक्ट फॉर द मेकिंग ऑफ द बफर क्लियर है बेटा हेलो स्टूडेंट मैं दयाल चौधरी एडवांस का इनऑर्गेनिक का पार्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर का इन विच ऑफ द इन दिन ऑफ द द द द प्रोसेस इज इज अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट नॉट ड्राइविंग फोर्स इनमें कौन सा है जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे सिक्स और जैसे ही डायमर बनाएगा वे, वे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एट एट कैसे हो जाएंगे यह आपका एलुमिनियम है सी एल सी एल ये सी एल ये एलुमिनियम आ गया ये क्लोरीन आ गया ये क्लोरीन आ गया ये तो इनके पास सिक्स थे टू टू फोर टू सिक्स अब ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा सिक्स और टू एट और ये सिक्स और टू एट वैसे ही इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर बनेगा क्लियर यहाँ पर इसका ऑलरेडी सेवन और थ्री टेन ऑक्टेट कंप्लीट है ये वाला डायमर फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है और यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट के लिए यहां पे डायमर होगा क्लियर इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे डायमर बनते ही नेक्स्ट इन विच ऑफ कंपाउंड साइज ऑफ केट टू ए रेशियो इज मैक्सिमम यहां पे मैक्सिमम केटाइन ए रेशियो देखना है तो सिंपल सी चीज है केटाइन स्मॉल होना चाहिए और एनाइन लार्ज होना चाहिए या फिर केटाइन लार्ज है तो एनाइन आपका स्मॉल होना चाहिए तो ये देखो केटाइन लार्जेस्ट हो गया सी जी एम प्लस और एनाइन में स्मॉलेस्ट ही है तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेशियो आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट डायल्यूट एस्ट और से ब्लैक कंपाउंड तो ब्लैक कंपाउंड ये भी हो जाएगा आपका ये गैस तो ये ले लो आप एफ एस बहुत सिंपल सा है एफ एस फेरस सल्फाइड लेबोरेटरी मेथड है लैब मेथड है।, है की पेस्ट बनता है इससे आपका एस2एस एस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा फेरिक सल्फेट डन अब ये जो एस2एस है जब इस पर HNO3 पास करोगे ठीक है तो आपका सल्फर बन जाएगा NO2 टू बन जाएगी और H2O टू बन जाएगा तो कोलाइडल सल्फर आपकी यहां पर है, बन जाएगी यही तो बात कर रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा एफ एस नेक्स्ट फाइंड मेंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज हैव थ्री पी पाई टू पी पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन है क्लोरीन है ये क्लोरीन है अगर बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हुई भी तो इससे वैकेंट इसके वैकेंट डी में आएगा तो पी पाई पी पाई तो यहाँ होगी ही नहीं यहाँ पे बात करें तो इसके पास से वैकेंट और वाइटल है कार्बन के पास दोनों अनपेड इलेक्ट्र दो, दोनों पेयर है लोन पे एस में बढ़ाए एक्साइटेस यहाँ हुआ ही नहीं ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड ये अपना लोन पेयर थ्री पी से इसके टू पी में दे देगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई कौन सी इसका तो टू पी इनवॉल हो गया इसका थ्री पी तो थ्री पी फाई टू पी फाइव बैक बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी बी सी एल थ्री की बात करूँ तो बी सी एल थ्री के पास आ जाओ बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बाइटल है और ये अपना थ्री पी से इसके टू पी में दे देगा यहाँ पे भी आपकी कौन सी थ्री पी फाइव टू पी फाइव बैक बॉन्डिंग होगी तो कितने हो गए दो थर्ड वाला देखें तो कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं अब जो बैक बॉन्डिंग होगी कार्बन अपना नेगेटिव मतलब लोन पेयर क्लोरीन के पास देखा क्लोरीन के पास वैकेंट डी है तो यहाँ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पे पी पाई डी पाई होगी यहाँ पे भी पी पाई डी पाई होगी इन दोनों में आपकी पी पाई पी पाई है तो दो आंसर आ जाएगा इसका नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड टू मोनोबेसिक एसिड यहां पे आपको देखना है मोनोबेसिक एसिड कौन कौन से है राइट एस टू कैरो एसिड इसको बोलते हैं हम तो ये डाइबेसिक होगा क्लियर दो ओ एच OH डायरेक्ट इससे अटैच है मतलब दो एच प्लस दे सकता है हाइपोक्लोरस एच ओ सी एल की बात कर रहे तो एक एच प्लस देता है ये सिर्फ तो एक तो ये हो गया फर्स्ट फिर हाइपोनाइट्रस हाइपोनाइट्रस आपका ये हो गया ओ एच ओ एच एच टू एन टू ओ टू इसके पास बेसिसिटी दो है तो ये भी काउंट नहीं होगा ये गया फिर आपका आ गया हाइपोफोसिस हाइपोफोस्फोरिक में क्या होता है इसकी तो बेसिसिटी फोर आएगी तो ये भी नहीं होगा फिर आपका कौन सा आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन ए एच थ्री तो ये आपका एच प्लस है रिप्लेसेबल है एक एच प्लस दे सकता है ये मोनोबेसिक हो गया तो आपके पास कितने आ गए दो फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की बात करें तो एन ए टू एच पी ओ फोर की बातें यहां हो रही है अगर आप एन ए एस टू पी ओ फोर तो डाईहाइड्रोजन बोलता अगला ठीक है तो आप यहां से एक एच प्लस निकाल सकते हो तो ये हो गया कितने हो गए थ्री फिर आओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सी एल तो ये हो गया एक कितने हो गए फोर फिर आपका आ गया एच थ्री बी ओ थ्री आपको पता है इसमें भी सारी ओ एच यूनिट या देखा जाए सारे हाइड्रोजन होल्ड होते हैं इसमें एच बॉन्डिंग में पसे हुए होते हैं तो ये एक्चुअली ट्रू प्रोटोनिक है ही नहीं ये वाटर से रिएक्शन करके एक एच प्लस देता है ये आपका बी ओ एच थ्री हो गया ये वाटर से रिएक्शन करेगा एच ओ एच तो इससे ओ एच ले जाएगा ये क्या बन जाएगा बी ओ एच फोर माइनस एच प्लस तो मोनो प्रोटोनिक ही माना जाता है इसको भी तो ये आपका कितना हो गया फाइव सोडियम हाइड्रोक्साइड ये H प्लस देता ही नहीं है ये तो OH देगा क्लियर तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते इफ थ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन ईच और बाइटल देन हाउ मेनी एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन एर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल तो देखो ये इवन नंबर में है तो याद रखो अगर इवन नंबर में पीरियड होते हैं तो एलिमेंट निकाले जाते हैं एन प्लस टू स्क्वायर बाई टू से और अगर ओड नंबर में आते हैं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो एन प्लस वन स्क्वायर बाई तो ये आपका कैसा है इवन है तो ये लगा दो एट प्लस टू स्क्वायर बाई टू तो कितना आ गया फिफ्टी लेकिन ये तो तब है जब एक और में दो इलेक्ट्रॉन हाँ एक और में कितने है? थ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब कि पहले से कितने टाइम्स हो गए 1.5 टाइम्स हो गए बात आ गई क्या सम तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 75 ये आपका एडवांस का पेपर था आई होप सबका अच्छा गया होगा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो सोल्यूशन से यहाँ देख सकते हैं ओके थैंक यू जय सी हाँ तो बेटा इसमें आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है फोर फाइव और सिक्स ये तीनों क्वेश्चन एक पैराग्राफ से रिलेटेड हैं देखते हैं क्या कहता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन टेक पैलेस विद रेसेमाइजेशन विद इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन भाई जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है रेसिमीकरण या प्रतिबंध के साथ होती है फिर कहें इन सेवरल केस सच रिएक्शन अगर विद ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगेशन तो यहाँ अगर अपन कहें तो रिएक्शन जो है विन्यास का धारण भी होता है और इसके पीछे रीजन क्या है वन फैक्टर विच लीड टू रिटेंशन ऑफ क्वालिफिकेशन इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आप जिसको एनजीपी कहते हैं एस एन एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ड्यू टू विद रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड तो यहाँ पे ये जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है इसकी वजह से हम कहें तो रिएक्शन की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है इंक्रीज कर जाती है. एनजीपी से रिलेटेड बात कर रहा है अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपके अलग -अलग लेते हैं एनजीपी लेते हैं तो इनका जो इफेक्टिवनेस होगी वो क्या रहेगी आयडो ज्यादा बेटर है क्लोरो ज्यादा बेटर है या ब्रोमो ज्यादा बेटर है या आयडो ज्यादा बेटर है तो यहां पे अपन कहें तो आपका जो आंसर रहेगा वो ये वाला वजह सुन लीजिए उसके पीछे क्या है कार्बन चेन है एक साइड में एक लिविंग ग्रुप है एक यहाँ पे ग्रुप आया जो एनजीपी का रोल प्ले करेगा और ग्रुप के अंदर उसने हमें क्लियर करके दे दिया कि ग्रुप वो क्या ले रहा है हेलोजन ले रहा है आपको मालूम है ये अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे एक बार निबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा ताकि ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाए बैक साइड अटैक होगा फिर न्यूक्लियोफाइल की एंट्री के साथ ये ग्रुप वापस अपनी जगह लोकेटेड हो जाएगा यही एनजीपी है इस एनजीपी में अगर अपन देखें तो इस ग्रुप की जगह अगर आप आयोडो लेते हो आपको मालूम है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा प्लस तो प्लस मोर डोमिनेट या मोर स्टेबल कहाँ होगा आयोडो के केस में एज कंपेयर क्लोरो ब्रोमो आयोडो में कहें तो प्लस ज्यादा बेटर कहाँ रहेगा आई में इसलिए एनजीपी के लिए ज्यादा बेटर कौन होता है आई बी आर से बी आर अच्छा है सी एल से चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिलेटिव रेट इज फास्टेस्ट वेन रिएक्शन की रेट जो है वो फास्ट कब होगी अब देखो यहाँ पे भी क्या लगेगा एनजीपी इफेक्ट एक्चुअल में ये एक लिविंग ग्रुप है और यहां जो एनजीपी इफेक्ट शो करेगा वो क्या होगा ये वाला जो पाई बोड आप देख रहे हैं ये पाई बोन्ड एनजीपी इफेक्ट एनजीपी शो करेगा बैक साइड में ये जो पाइबोन्ड है इसकी वजह से एनजीपी एक्शन आएगा अब आप, आप जानते हैं पाई बोन में अगर डेंसिटी अच्छी होगी तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले को एनजीपी में डोनेट करेगा अगर ऐसा है तो इस आर वन आर टू की जगह आपको क्या लेना है आपके पास ऑप्शन है कि दोनों एच ले ले आपके पास ऑप्शन है कि एक एच और एक सी एफ थ्री ले लें आपके पास ऑप्शन है दोनों सी एफ थ्री ले लें या सेम इन ऑल केसेस तो देखो यहां पे अगर मैं कहूं इन दोनों लोकेशन पे आप सी एफ थ्री एड करते हैं तो वो विड्रोवर होंगे विड्रोवल होंगे तो यहाँ पाई डेंसिटी कम हो जाएगी पाई डेंसिटी कम होगी तो उसका एनजीपी एक्शन जो है वो कम हो जाएगा तो इसलिए अपने को सी एफ थ्री को अवॉइड करना चाहिए दोनों को भी एक को भी तो ओवरऑल आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहा फर्स्ट वाला ये लेना होगा इसमें एनजीपी को ज्यादा बेहतर कराने के लिए नेक्स्ट देखें इसके बाद ये था यहां पे आपको मालूम है ये एक लिविंग ग्रुप है ये यहां पे एनजीपी इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है तो एनजीपी वाला भी है सीएल भी है न्यूक्लियो ने आना है सीएल को रिमूव करना है एन का मेन एक्शन यही होता है कॉन्फिगेशन को रिटर्न करना कॉन्फिगेशन चेंज नहीं होने देता तो यहाँ अपन प्रोडक्ट में देखें कौन सा प्रोडक्ट लेना है ऊपर की लोकेशन में कायराइन सेंटर पे कोई चेंज नहीं है नीचे अगर अपन देखते हैं यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ एच और मिथाइल सेम है और न्यूक्लियोफाइल फाइल कहाँ एंटर कर गया सीएल की जगह यही एनजीपी आगे देखें अपन तो यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट साइड में एंटर कराया है ये नहीं चलेगा यहाँ पे अपन कहें तो ये इन में कन्वर्ट कर रहा है नहीं ये रिएक्शन एस एन है सी को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल एंटर करना है और एन एक्शन शो कर रहा है ओ तो इसलिए अपन कहें तो रिटेंशन प्रोडक्ट देना चाहते हैं इसलिए ये आएगा तो ये आपका एन के तीनों क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट देखिए इसके बाद हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीजर सेगमेंट में है इंटीजर के ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको आंसर जो देना है वो जीरो जीरो टू नाइन नाइन इस रेंज में देना है सही होने पे फोर मार्क्स का है रॉन्ग होने पे जीरो मार्क्स चलो चेक करते हैं नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं आपको फाइव स्टेटमेंट ए बी सी डी ई दिए हुए हैं करेक्ट आपको बताने हैं ए कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन इज ए मोलिक्यूल इन विच ए कार्बन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज एंड थ्री बोन्ड कार्बन एक अणु है जिसमें कार्बन पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो ऐसे वाली फेज रहती है ये जो स्पीसी आपके पास बनती है इसी को अपन क्या कहते हैं कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन में इसने कहा कि थ्री बॉन्ड वाली फेज होती है बिल्कुल ठीक कहा पॉजिटिवली चार्ज होता है ठीक कहा तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो अपना राइट है ठीक चलिए आगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज एस पी थ्री जनरली कार्बोनाइन का संग्रहण एस पी थ्री होता है ये गलत है भाई देखो क्या है ये आपके सामने कार्बोकेटाइन है सिग्मा बोन थ्री है लॉन्ग पेयर इसके पास है नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू आएगा एसपी थ्री नहीं आएगा तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया कार्बोकेटाइन हैव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो कार्बोधन नाबिक्स नहीं तथा तो इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं गलत बात है कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन ही है नाभिक नहीं नहीं है ये नहीं चलेगा, ये भी है ये ये चलेगा भी कार्बोकेटायन और लेविस एसिड बिल्कुल लेविस की थ्योरी कहती है लॉन्ग पेयर जो एक्सेप्ट कर ले वो लेविस एसिड है लुईस लुईसमल की तरह काम करता है बिल्कुल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है एट इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो ये लुईस लुईसमल का काम कर लेगा लेविस एसिड का काम कर लेगा इट हैज सेक्स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर डाया मैग्नेटिक इसके बस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं सिक्स होते हैं छ होते हैं टू टू फोर टू सिक्स हर में टू तो इलेक्ट्रॉन ये भी ठीक है और बोले तो पड़ती चुम्बकी है डाया मैग्नेटिक है बिल्कुल क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी राइट जा रहा है तो ओवरऑल आपके पास कितने स्टेटमेंट सही हैं थ्री तो इसलिए आपको आंसर देना होगा जीरो थ्री ये आपका आंसर रहेगा क्लियर है बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद <coughs> हाँ जी बेटा इस क्वेश्चन में देखें क्या कहते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव आइडोफोम टेस्ट आइडोफाम कौन शो करेगा आइडोफोम की एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है कि अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल मोलिक्यूल है तो उसका ये एरिया हेलोफोमी आइडोफोम टेस्ट शो करता है यहाँ से एलोफोमी आइडोफोम जनरेट होता है या फिर एक केस ये भी होता है अगर आपके पास इस वायटी के मोलिक्यूल हैं तो इसका ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये वाला जो सी एच टू है जिसके पास मोरसिडिक एच है वो भी ऐसा कर पाता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन यहाँ देखें तो ये फर्स्ट मोलिक्यूल नहीं चलेगा क्योंकि कार्बोनिल नहीं है कार्बोनिल के साथ साथ अपन कहें तो आ, ये सिचुएशन होनी चाहिए हालांकि अल्कोहल ले सकते हैं बट वो इस तरह कन्वर्ट हो हेलाइट भी ले सकते हैं अपन तो ये वाला मोलिक्यूल लेंगे अपन वजह उसकी क्योंकि ये जो मोलिक्यूल है ये एक्चुअल में ये यहाँ पे अपन कहें तो ये इनोल फॉर्म है इस मोलिक्यूल ये वाले मोलिक्यूल इसी का इनोल कन्वर्जन है तो यहां पे वही सेम सिचुएशन जनरेट हो रही है जो हेलोफॉम में होनी चाहिए तो इसलिए ये वाला चलेगा ये एक स्पेशल केस रहेगा अब इन दोनों में से अगर अपन कहें अब देखो पता है हेलोफॉम जो है वो बेसिक मीडियम में होती है अब वो बेस की प्रेजेंस में अपन कहें इस एच को निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव यहां जाकर के शिफ्ट होता है तो इसे यहां से ओपन कर दे तो यहां क्या होगा ओ नेगेटिव और यहां जनरेट हो जाएगा क्या ये वाली सिचुएशन जनरेट हो जाएगी ये वाली सिचुएशन जनरेट हो जाएगी अब वही वही आपके बस मिथाइल वाला केस आ गया जबकि यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे इसमें क्या है हाइड्रोजन है तो यहां इसको भी अपन में ले लेंगे हेलोफॉर्म में ये तो आप ये मानिए ये दोनों तो नॉर्मल केस है क्योंकि कार्बोनिल है कार्बोनिल के बस मिथाइल है कार्बोनिल है कार्बोनिल की बहुत साइड में मिथाइल है और यहाँ पे ये जो मिथाइल था उसने हेलोफॉर्म शुरू कर दिए बोले तो दो स्टेप रिएक्शन हो भी चुकी है तो इन तीनों में तो कोई डाउट ही नहीं है बात इन तीन इन ऊपर वाले चारों में थी तो फर्स्ट नहीं सेकेंड होगा थर्ड नहीं फोर्थ और फोर्थ का स्पेशल रीजन क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया तो ओवरऑल मोलिक्यूल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव तो इसलिए आंसर रहेगा जीरो फाइव नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव कार्बिल टेस्ट कार्बिल टेस्ट किससे पॉसिबल है तो कार्बिलमाइन टेस्ट क्या होता है प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफोम और बेस में रिएक्ट करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होना ही कार्बिल अमाइन रिएक्शन है टू डिग्री में ये पॉसिबल नहीं है थ्री डिग्री में पॉसिबल नहीं है वन डिग्री अमाइन में है टू डिग्री में फिर पॉसिबल नहीं है अमाइड में भी पॉसिबल नहीं है ये है आपके पास मैथिल अमोनियम क्लोराइड आपको मालूम है जब अब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन किस में होती है क्लोरोफॉर्म और बेस में बेस होने की वजह से बेस क्या करेगा यहाँ से एसिड को रिमूव कर देगा रिमूव करने के बाद इसे किस में कन्वर्ट कर देगा सी एच थ्री एन एच टू में उसका जो एच सी एल है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ बेस के साथ तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सोल्ट जो दिया हुआ है ये भी प्राइमरी अमाइन में तो इसलिए इसे भी लेना तो one one, तो होगा तो वन और वन टू तो इसलिए आंसर होगा बेटा टू क्लियर है